फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है? क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन रखना ज़रूरी होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी होता है, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी है क्या? अगर आप बात करूँ मैं इंटरनल सिक्योरिटी की, तो ये आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों जगह पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना सिर्फ इसके लिए बल्कि आपका जितना आईआर, जो आपका सब्जेक्ट है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जब आप आईआर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी होती है वो बाकी कंट्री के साथ साथ, इकोनॉमी के साथ साथ, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी डिप्लोमेसी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अभी देखो इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ है लद्दाख में, राइट? अभी अगर आप देखोगे तो अब जो डिप्लोमेसी इंडिया कर रहा है अमेरिका के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंगेजमेंट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटी साइन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को निगोशिएट करने के लिए कर रहा है। अंडरस्टैंड? सो इंटरनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर्स, एक व्यू देगा कि कैसे कोई कंट्री अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करता है। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारे फोर्सेस कैसे काम करते हैं, हु इज़ द नोडल बॉडी फॉर द पर्टिकुलर फोर्सेस, और हमारे फोर्सेस बाकी जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। सो ऑल दैट थिंग्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सबको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर, यानी कि जो हमारा इंडियन बाउंड्री है, इंडियन कॉन्टिनेंट का जो बाउंड्री है, उसके अंदर हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, पॉपुलेशन है, जो भी लोग हैं, उनके पब्लिक प्रॉपर्टी और सोशल प्रोटेक्शन, हर चीज़ की जिम्मेदारी इंटरनल सिक्योरिटी पर आती है कि वो, राइट? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला है, और आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी क्यों पढ़ना चाहिए, और आपको ये पता चलेगा इंटरनल सिक्योरिटी एक, बोलते हैं ना कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको, ठीक है? पहले तो आपको प्रॉब्लम्स बताएगा इंडिया में कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम हैं, उसके बाद उनका सोल्यूशन भी बताएगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे काम कर रही है, या कौन किस तरह से उस पर काम करती है, ये भी आपको दिखाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको ये भी करना है कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इसको और कैसे टैकल किया जा सकता है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब इंडिया के इंटरनल बाउंड्री में, यानी कि जो अगर इंडिया का बाउंड्री देख रहे हैं, इसके इंटरनल बाउंड्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हैंडल करने के लिए ये पूरी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी काम करती है, ठीक है? अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि सपोज़ करो इंडिया के अंदर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सपोज़ करो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है? ये हो गया इंडिया के लिए थ्रेट। बॉम्ब ब्लास्ट होता है कहीं पे भी इंडिया के लिए, तो ये सीधे सीधे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर उंगली उठती है कि इंटरनल सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो गया। ना सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट बल्कि आप बोल दो कोई भी इंसिडेंट होता है, क्रिमिनल इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी पे ये सवाल उठता है कि ये यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर में जो पुलिस है वो क्या कर रही है, या फिर अगर वो इंटरनेशनल लेवल का थ्रेट है, यानी कि कोई टेररिस्ट थ्रेट है या ये सब है, तो उसके लिए क्या हमारे एजेंसीज यानी आईबी और रॉ क्या इसके इंफॉर्मेशन जुटाने में नहीं थे। तो कहने का मतलब है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो पुलवामा वाला जैसी घटना घटी, यानी वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, तो सबसे पहले हमारे आईबी, रॉ और हमारे होम मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठने लगी कि आप क्या कर रहे थे, राइट? क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है इंटरनल सिक्योरिटी को मेक श्योर करने की। अंडरस्टैंड? समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये होता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। चलो हम लोग पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन से पहले हम लोग इसको सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है इसके लिए, ठीक है? तो आज हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है? सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आप देखोगे तो इसमें जो सिलेबस है, हाँ
सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या है, पहला जो है वो लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि जो लिंकेजेस क्या हैं डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म में। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, और कुछ ये भी पढ़ेंगे, स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स ये सब भी पढ़ेंगे, कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज भी पढ़नी पड़ेंगी जो कि आपके आने वाले लेक्चर के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। देखो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है, स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग द चैलेंजेस इन टू द सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम लोग उनके बारे में ये देखते हैं, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका आपका यहाँ पे जो द रोल ऑफ मीडिया, द रोल ऑफ मीडिया एंड नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो। तो ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको जानना जरूरी होता है, इससे आपको ये पता चलता रहता है कि हम लोग का कौन सा टॉपिक हुआ है और कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब पढ़ते टाइम आपको समझ में आएगा कि मुझे इसका कितना पार्ट अभी पढ़ना बाकी है, कौन सा कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, अदरवाइज क्या होता है कुछ टॉपिक छूट जाते हैं और फिर हम लोग उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंड। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंडिया के लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आज हमारा आर्मी नेवी एयरफोर्स बाकी सब में हम स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर सबसे वीक पॉइंट अगर इंडिया का आज है तो वह है हमारे साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो कि कईयों के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कईयों के बोलते ना कि हाई ये करप्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी को अरेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी साइबर सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा लेवल पे अपडेट नहीं है जितनी ज़्यादा लेवल पे आज के लोग हैकर्स उनको हैक करके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, हवाला क्या होता है, हवाला कारोबार क्या है, ये सब के बारे में भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी चेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज़ में आप देखोगे कि हम लोग के पास बॉर्डर एरिया में क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं और हम कैसे बॉर्डर एरियाज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद क्या है, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद द टेररिज्म, यानी कि आज जो टेररिज्म है उसका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के से कैसे लिंकेजेस है। पहले तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या हो, ये अपना स्मगलिंग, ड्रग पैडलिंग, ठीक है, किडनैपिंग, हैकिंग, सो दीज आर दिस ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि ऐसा क्राइम जिसको प्लान करके किया जाता है और वो मेनली किसके लिए होता है, पैसे के लिए होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। लेकिन जो टेररिज्म होता है वो पैसे के लिए नहीं होता है, वो पॉलिटिकल पावर के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं टेररिज्म। टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम में हम लोग को यहाँ पढ़ेंगे क्या कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज इन द मैंडेट, ठीक है, कि हम लोग ये देखेंगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कौन से और कौन सी एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो था हमारा सिलेबस। अब सिलेबस के बाद हम लोग चलते हैं आगे, आगे क्या है, डेफिनेशन दिया गया। डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन में ये बताया गया है कि एग्जैक्टली इंटरनल सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या है। तो अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी का डेफिनेशन देखोगे, इंटरनल सिक्योरिटी का डेफिनेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंटरनल सिक्योरिटी है क्या। देखो लिखा गया है, ये लिखा गया गया यहाँ पे, टू मेंटेन अ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव या फिर आप डेफिनेशन बोल सकते हो क्या है, यही है इसका डेफिनेशन, यही है, टू मेंटेन अ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। उसके लिए क्या होगा,
अभी पॉलिटिकल डेफिनेशन क्या बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन अ इंडिया फेडरल इन नेचर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया इज अ फेडरल इन नेचर, ठीक है। उसके बाद इन दिस सेटअप टू इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो जितना भी हम लोग ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का मतलब क्या होता है कि हम लोग ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि सीबीआई, रॉ, आईबी और बहुत सारे एजेंसीज हमने बना के रखे हैं, उनको सेटअप किया है और वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला, इनका जो दो रोल है, इनका जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट रोल है जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करके रखे हैं, उनके जो दो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, मैं बता देना चाहता हूँ फेडरल सिस्टम होता क्या, फेडरल क्या है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये सेंटर है, जैसे हमारा इंडिया, इंडिया में भी फेडरल सिस्टम चलता है, लेकिन हमारे इंडिया, इंडिया के जो सिस्टम को फेडरल नहीं बोलते, उसको कॉसी फेडरल बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे कि उसको कॉसी फेडरल क्यों बोला जाता है, लेकिन फेडरल सिस्टम में बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इंडिया में एक सेंटर है, जैसे दिल्ली सेंटर है, उसके बाद हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, राइट। तो 28 स्टेट ये जो सब के सब हैं एक सेंटर से जुड़े हुए हैं, राइट। और ये सेंटर क्या करता है, ये सेंटर क्या करता है, इनको जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे पावर सेंटर के पास ही है। सेंटर ने क्या है, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है सबके पास, जैसे कि इलेक्शन का पावर, ठीक है, डिसीजन लेने का पावर, लॉ बनाने का पावर, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबका अलग से अपना सीएम होता है। तो कहने का मतलब है जो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंटर सारे पावर को ना रखे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको ही बोलते हैं फेडरल सिस्टम, ठीक है। फेडरल सिस्टम का एक और डेफिनेशन होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि पावर जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। हमारा इंडिया में जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट तो है, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सेंटर के पास थोड़ा बहुत ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, इसीलिए हम लोग इसको फेडरल की बजाय क्वासी फेडरल बोलते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पे भी देखो, कुछ जैसे कि कुछ पावर है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके पास आएंगी, ठीक है। कुछ पावर है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे, तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर स्टेट को अपने अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के सीएम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। अब महाराष्ट्र के सीएम क्या करेंगे, थ्रू पुलिस के थ्रू, ठीक है, और किसी भी एजेंसी के थ्रू, बहुत सारे एजेंसी के थ्रू, सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू, एटीएस के थ्रू, हर जैसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को यूज़ करके अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बाई यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बाई यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि होता क्या है कि चलो सबको अपने अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ थ्रेट ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कम पड़ जाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं होती है, तब वहाँ पर क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये बोला गया है कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में सिक्योरिटी मैनेज करने का, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने या सिक्योरिटी मैनेज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनियन गवर्नमेंट है, और यूनियन गवर्नमेंट में भी किसके पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, ठीक है। तो होम मिनिस्टर इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्टिविटी हैपेंड इन द इंटरनल बॉर्डर ऑफ इंडिया, ये आप समझ के याद रखना। चाहे वो बम ब्लास्ट हो, चाहे रेप हो, चाहे कहीं पे दंगा हो जाता है, तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, होम मिनिस्ट्री के। बट अभी सबको शायद पता ही होगा कि होम मिनिस्ट्री का काम यही होता है, जब भी कहीं पे भी बम ब्लास्ट होता है या कहीं पे भी रेप, जैसे कि निर्भया केस वाला रेप केस हुआ था, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, होम मिनिस्ट्री होती है। होम मिनिस्ट्री को आके क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जैसे कि पुलवामा अटैक, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दिया है कि पुलवामा जो अटैक हुआ था, पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री का फेलियर था, ऐसे इनडायरेक्टली बोल सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी का फेलियर था, इंटरनल इंटेलिजेंस का फेलियर था, ठीक है। वरना ऐसे 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 जो कोई ऐसे जो अटैक्स हैं इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले से ही भाप के या पहले से उसके इंफॉर्मेशन निकाल के इसको एलिमिनेट कर देती है, अंडरस्टैंड, या फिर इसको रोक देती है। तो पूरे पूरे हर स्टेट का जिम्मेदारी होता है अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, और हर सॉरी इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है पूरे इंडिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। सो दिस इज अ टू मेजर डेफिनेशन फॉर द, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में देख लेते हैं कि होम मिनिस्ट्री के पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। तो होम मिनिस्ट्री के पास अगर आप देखोगे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर,
ठीक है, वही बोला कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चलता रहेगा तो लोगों को पीस मिलता रहेगा, अंडरस्टैंड। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, स्टाफिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। स्टाफिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सर्विसेज के लिए, जो भी, जैसे कि आप ऐसा समझो, सपोज करो आप यूपीएससी कर रहे हो, और अगर आप आईएएस आपने क्लियर किया, और अगर आप आईएएस बनते हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंडर में आओगे। लेकिन अगर आप आईपीएस बनते हो, तो आप किसके अंडर में आ जाओगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करोगे। ये बात याद रख लेना, अगर आप आईएएस बनते हो तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में आओगे, अगर आप आईपीएस बनते हो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आओगे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनके लिए स्टाफ की व्यवस्था भी होम मिनिस्ट्री ही करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका? डिलीनेशन ऑफ इंटरनल बाउंड्रीज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉरी डिलीनेशन ऑफ इंटरनल बाउंड्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? इंटरनल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, और यूनियन टेरिटरी यानी जो कि ना तो स्टेट है, वहाँ पे जो रूल चलता है वो डायरेक्टली सेंटर का चलता है, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पांडिचेरी हो गया, ये सब कैसे यूनियन टेरिटरी है ना। यहाँ पे जो रूल चलेगा वो पुलिस जो होगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजिंग द इंडियन पुलिस सर्विसेज। अभी मैंने बताया आईपीएस वाला कि यहाँ पे पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस के जो इंडियन आईपीएस होता है या इंडियन पुलिस सर्विसेज में जो भी लोग होते हैं उनको मैनेज करने का काम कौन होता है? होम, उनका ट्रांसफर ले लो, ये कर लो, करो, सारी चीज़ें होम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस सेवरल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द पुलिस एंड सिक्योरिटी। हाँ, सिर्फ पुलिस से ही आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाओगे, सारे थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे एजेंसीज भी होती हैं जिनको आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। जैसे कि आपका रॉ हो गया, आईबी हो गया, ये लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ ऐसे जो एजेंसी होती है, सीबीआई हो गई, ईटीएस हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब जो एजेंसीज हैं ये इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको किसी भी थ्रेट से पहले ही इन्फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो इनको भी मेंटेन करना जरूरी होता है, और इसकी भी जिम्मेदारी किसके पास होती है? होम मिनिस्टर के पास होती है। नेक्स्ट है पुलिस इन द यूनियन टेरिटरी कम्स डायरेक्टली अंडर द एमएचए। दिस इज, हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो पुलिस होती है, पुलिस कैसा होता है? हर स्टेट की अपनी अलग अलग पुलिस होती है, हर स्टेट की अपनी पुलिस, जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस अलग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है, ठीक है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, लेकिन वो स्टेट की पुलिस कौन होगी जो यूनियन टेरिटरी है? फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, दिल्ली है, पांडिचेरी है, तो ये सबकी, यहाँ सबकी किसकी पुलिस होगी? तो ऐसे जो यूनियन टेरिटरी होती हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट पुलिस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पर अभी मैं आपको समझ, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आता रहेगा, दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस बोलते हैं उसको, यस, उसका नाम दिल्ली पुलिस है, लेकिन इसका जो, जैसे कि आप समझो, एक बात समझते हैं, किसी स्टेट में से महाराष्ट्र स्टेट में जो पुलिस है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी, और यहाँ का जो कमिश्नर होगा वो सीएम की बात को मानेगा, ठीक है। तो सीएम जो होगा वो महाराष्ट्र का ही होगा, राइट। तो कमिश्नर सीएम की बात मानता है और अपने हिसाब से पुलिस को ये करता है, लेकिन यूनियन, इस यहाँ पे जैसे यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में सीएम तो है लेकिन जो पुलिस है ना वो पुलिस सीएम के अंडर में नहीं आती, वहाँ पे जो पुलिस होती है वो गवर्नर, वहाँ पे जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जैसे हर स्टेट का अपना गवर्नर होता है, वैसे ही यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा या तो कमिश्नर होगा, ठीक है, या तो कमिश्नर होगा। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है पुलिस उसके अंडर में काम करता है। अब आप ही सोचो कि दिल्ली में क्राइम इतना ज़्यादा क्यों है? दिल्ली में क्राइम इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे सीएम तो केजरीवाल है, लेकिन जो पुलिस है वो पुलिस किसके अंडर में आती है?
पुलिस कैंटर आते हैं, एलजी के अंडर में आती है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी का मतलब ये होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट का ही आदमी होता है एलजी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है। तो जो एलजी होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट को करेगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको अपॉइंट करने के पीछे कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के लिए, जब इसको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो काम भी तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ही करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनडायरेक्टली यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पुलिस है, ठीक है। भले उसका नाम दिल्ली पुलिस है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, क्योंकि उनको जो सैलरीज मिलती हैं, उनका जो ये होता है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही होता है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, सीबीआई के मैंने बताया आपको अभी। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सीबीआई भी किस कैंटर में आती है? एमएचए कैंटर में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई का काम क्या होता है? कोई केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो कॉम्प्लिकेटेड केस को सीबीआई हैंडल तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसको होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर ना आ जाए। कोई सीएम या कोई ये बोलेगा कि हाँ सीबीआई को ये कर दो, तो वो नहीं, जब तक उसको होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी केस की जांच नहीं कर सकती है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यानी कि सीबीआई क्या है? होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है जो होम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं, आगे देखेंगे हम लोग उसको। चलो अब हम लोग देखते हैं वेरियस फोर्सेस और फोर्सेस इन इंडिया। वेरियस फोर्सेस इन इंडिया देखने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। वेरियस फोर्सेस देखने से पहले एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, और वो है आपका, एक क्वेश्चन आपसे है कि, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मिलिट्री और पैरामिलिट्री में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं पैरामिलिट्री ऑप्शनल मिलिट्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला, सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती है वो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जबकि मिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं वो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पैरा मिलिट्री एंड मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो वर्किंग सिस्टम होता है, वर्किंग सिस्टम इज लाइक अ पुलिस, लेकिन इनके पास जो पावर होती है वो पुलिस से थोड़ी ज़्यादा होती है। वो भी डिपेंड करता है कौन सी पैरामिलिट्री है, ठीक है। जबकि मिलिट्री के पास कोई ऐसी मतलब स्पेशल पावर नहीं होती है, मिलिट्री हमेशा अपने कमांडर के ऑर्डर्स पर चलता है, ठीक है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर बटालियन और एच, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग इज व्हाट, सपोज कर एग्जांपल है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस का के पास ऐसा नहीं कि जब उठाए और गोली मार दे, ऐसा नहीं होता। ये भी मैंने बोला ना कि पुलिस की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो अरेस्ट करती हैं, ठीक है,
अरेस्ट करती हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करती हैं, पूछताछ करती हैं, ठीक है, और सब एविडेंस एविडेंस कलेक्ट करती हैं, किसी को सज़ा सुनानी है तो, ठीक है, तो ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जबकि मिलिट्री ऐसा कुछ नहीं करती, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहता है कि किसी को अरेस्ट करना है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है, उससे कोई मतलब नहीं। ये जब भी अपने, ये देखो, मिलिट्री हमेशा डिप्लॉयड नहीं होती कहीं पे भी, मिलिट्री अपने बंकर में रहती है, जब भी उसको ऑर्डर मिलता है वो बाहर निकलती है, तो उनको ये ऑर्डर नहीं देता कि आप किसी को कैप्चर करो, किसी को पकड़ो, नहीं, वो जो बाहर निकलेंगी तो वो सिर्फ फाइट के लिए निकलेंगी, मरो या मारो, यानी कि कहने का मतलब है लड़ाई के लिए निकलती हैं, वो पुलिस वाला काम नहीं करती, इनडायरेक्टली बोलूँ तो। पुलिस वाला काम नहीं करने का मतलब क्या है, वो किसी को ना तो अरेस्ट करेंगी ना तो इन्वेस्टिगेट करेंगी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मिलिट्री का काम क्या है, जब भी उनको बोला जाएगा कि भाई तुम्हें बाहर निकलना है आना, तो गेयर अप करके वो सिर्फ किलिंग के लिए आती है, यानी कि मारने के लिए ही आती हैं बाहर, वो ऐसे नहीं आती, जब उनको ऑर्डर मिल जाता है मारो तो मार देती हैं, उनसे मतलब नहीं है कि वो दुश्मन है, दोस्त है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है, उनको जब भी ऑर्डर मिलता है मारने का तो मारने के लिए निकलती हैं, ना वो अरेस्ट करती है, ना तो इन्वेस्टिगेट करती हैं, ना ही उनके ऊपर केस चलाती है किसी के ऊपर, ठीक है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती हैं, ये पुलिस के जैसे ही काम करती हैं, यानी कि किसी को अरेस्ट कर सकती हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी, फिर उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करेंगी, एविडेंस करने के बाद उसके ऊपर कोर्ट में केस भी कर सकती हैं, तो ये सब काम इनका होता है, मिलिट्री का ये सब काम नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमेशा डिप्लॉयड होती हैं, वो डिप्लॉयड मतलब कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगी रहती है, जबकि आर्मी हमेशा डिप्लॉयड नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन में पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन अगर कंडीशन ख़राब हो रही है, यानी कि दूसरे कंट्री के साथ वॉर लड़ना है या वार जैसी सिचुएशन बन रही है, तो उस एरिया से पैरामिलिट्री फोर्सेस को वापस बुला लिया जाता है, और उस एरिया में कौन चला जाता है, आर्मी। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है लद्दाख में, उसमें इंडिया चाइना के बॉर्डर को नॉर्मल कंडीशन में कौन ये करता है, इंडिया चाइना के बॉर्डर को नॉर्मल कंडीशन में ITBP क्या करती है, ये देख करती है, हैंडल करती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वॉर जैसा सिचुएशन बना, ITBP को वहाँ से हटा लिया गया, और वहाँ पे अभी कौन है, वहाँ पे अभी कौन है, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की डिफरेंट डिफरेंट बटालियंस वहाँ पे तैनात है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, काम होता है, तो आपको, मुझे आई होप समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है पैरामिलिट्री फोर्सेस में और मिलिट्री में, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस, अब आई होप आपको समझ में आ रहेगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये सारी फोर्सेस आती हैं, जैसे कि इनको बोला जाता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। इसमें सबसे जो पहला जो मिलिट्री फोर्सेस है, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि देखो, यहाँ पे पहला जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये कब बना था, 1965 में, ठीक है, 1965 बना था, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म है BSF, और इसका काम क्या है, इसका काम है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या करना, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे तो जो BSF है, BSF क्या करती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर अगर आप देखोगे, इंडिया पाकिस्तान का अगर आप बॉर्डर देखोगे तो आपको दिखेगा कि देखो, ये वाला पार्ट जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का काम करता है, यानी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो कौन है, BSF है, ठीक है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि यहाँ पे भी, पहले क्या हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे तब उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान दो जगह में बना था, ये जो आज का बांग्लादेश देख रहे हो, ये पहले क्या था आपका, ईस्टर्न पाकिस्तान था, और जो ये वाला एरिया है ये आपका वेस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है। लेकिन 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान इन पाकिस्तान से टूट के एक नया कंट्री बनता है, जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आज क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एज वेल एज इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक
ठीक है, दो जगहों पे एयरफोर्स डिप्लॉय करती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बॉर्डर बीएसएफ का गठन हुआ क्यों, यानी कि क्यों इसको बनाया गया। ठीक है, तो हुआ क्या था कि आपको शायद पता होगा, 1965 में एक वॉर लड़ी थी, 1964 से 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक वॉर लड़ा था। उस वॉर में हमारी बहुत सारा, वो वॉर तो खैर हम जीत गए लेकिन उसमें कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब गवर्नमेंट ने क्या किया, एनालाइज करना स्टार्ट किया कि हम लोग ये वॉर में कैजुअल्टीज इतनी ज़्यादा क्यों हुई, तब ये पता चला कि वो हमारी आर्मी जो है, जो आर्मी जो उस टाइम पहले बॉर्डर पे तैनात रहती थी, वो दिन भर इन बाउंड्री की सिक्योरिटी करती थी, बॉर्डर की सिक्योरिटी करती थी। जब वो बॉर्डर की सिक्योरिटी करने में व्यस्त रहती थी तो ना तो वो स्ट्रैटेजी बना पाती थी, ठीक है, ना ही वो अपने स्किल को डेवलप कर पाती थी, वो जो फाइट स्किल है उसको डेवलप कर पाती थी। वो दिन भर किस में लगी रहती थी, बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने में। इससे क्या होता था, उनका स्किल बहुत ज़्यादा लो हो चुका था, और आप ऐसा बोल सकते हो कि उनके पास उतने ज़्यादा स्किलफुल लोग नहीं रह गए थे कि वो कोई स्ट्रेटेजी, स्ट्रांग स्ट्रेटेजी बना सके पाकिस्तान के खिलाफ। इसीलिए ये कारण क्या हुआ, वॉर तो हम लोग जीत गए लेकिन एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजी बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आई। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने उसके बदले में बोला कि भाई बॉर्डर की सिक्योरिटी अगर आप आर्मी से करवाओगे तो आर्मी ऐसे ही रिजल्ट देगी, क्योंकि दिन भर बॉर्डर की सिक्योरिटी करेगी तो अपना काम कब करेगी, अपनी स्किल पे काम कब करेगी, अपने एनालिसिस पे काम कब करेगी। तो इस बात को देखते हुए वहाँ पे ये बोला गया कि हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक अलग फोर्स बनाएंगे और उसका नाम रखा गया बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसको पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाता है। पैरामिलिट्री मतलब इसको आर्मी जैसे पावर नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन पुलिस से थोड़ा ज़्यादा, आर्मी से थोड़ा कम, यानी कि पुलिस से थोड़ा सा ज़्यादा और आर्मी से कम। इसमें बीएसएफ का अगर आप देखोगे तो ये आपका लोगो दिखाई देगा, और आपको मैंने भी बताया कि बीएसएफ कहाँ पे डिप्लॉय होती है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसा कि आप इसको नाम से ही समझते हैं कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीआईएसएफ। ठीक है, अब सीआईएसएफ का काम क्या है, सीआईएसएफ का काम उसके नाम के हिसाब से ही है, जैसे कि उसमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात की है। तो सीआईएसएफ का काम ये होता है कि वो क्या करे, इंडिया में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, सेंट्रली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जितने भी प्रॉपर्टी होंगे उनको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, सीआईएसएफ करती है। प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द सीआईएसएफ, प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द सीएसएफ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, सीएसएफ प्रोवाइड करती है। जैसे बॉम्बे में बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको भी कौन प्रोवाइड करता है, सीआईएसएफ प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे जैसे माइनिंग वाले एरिया हैं, जैसे जहाँ पे कहीं पे सोने का खान है, चांदी की खान है, कोयले का है, तो उनको भी प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, सीआईएसएफ करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो सीआईएसएफ है ये इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये एक्चुअली रिजर्व पुलिस फोर्स है, और ये ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी रिजर्व पुलिस फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये कहीं पे डिप्लॉय नहीं होती, मेनली ये क्या होती है कि अपने बैरक्स में, अपने एरिया में बैठे रहते हैं। इनका यूज़ तब आता है जब कोई स्टेट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में दंगे हो गए, सब फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि सपोज करो उत्तर प्रदेश बिहार में दंगे हो गए, अब उस दंगे इतने भयंकर हुए कि वहाँ की पुलिस दंगों को रोक नहीं पा रही है। ठीक है, जब वहाँ की पुलिस दंगों को रोक नहीं पाएगी तो या तो वहाँ के गवर्नर क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगेंगे कहाँ के, बिहार के, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही देखेगी कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, मैं सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो फिर क्या करेंगे, वो वहाँ पे सीआरपीएफ की बटालियंस को भेज देंगे। सीआरपीएफ की बटालियंस वहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो जो सीआरपीएफ है वो सेंट्रली गवर्नमेंट रेगुलेट फोर्सेस है,
और इससे क्या होगा कि जब वो वहाँ पे जाएगी तो उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी का नहीं होता है, और ये ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ किसी स्टेट में उस स्टेट से अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना किया जा सके, तब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट CRPF को भेजती है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर की पुलिस खुद की पुलिस है, लेकिन साथ में वो क्या करते हैं CRPF के जवानों को भी क्या करते हैं रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अकेले जम्मू एंड कश्मीर से वहाँ के आतंकवादी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, CRPF हो गया आपका, उसके बाद है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है इसका जो इसको और बनाया गया था 1962 में, राइट। इसके पीछे भी कहानी है। कहानी ये है कि 1962 में हमारे यहाँ चाइना के साथ बहुत बड़ा वॉर हुआ था, और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हार गए थे, हार भी गए थे और हमारी कैजुअलिटी हुई थी। तो जब हमारे अपने हार को एनालाइज करना चाहा, जब हमने अपनी हार को एनालाइज करना चाहा, तो एनालिसिस में मिला कि जो इंडियन आर्मी के लोग पहले क्या करते थे, चाइना के बॉर्डर पर रहते थे, इंडियन आर्मी के लोग। ठीक है, तो होता क्या था कि इंडियन आर्मी के जो लोग थे अधिकतर वो लोग प्लेन एरिया यानी इंडिया के मैदानी एरिया से आए हुए थे। उनको पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में तकलीफ होती थी, वो हैबिचुअल नहीं थे उस टेरेन के। तो इससे क्या हुआ कि कुछ तो जवान लोग लड़ाई में, और कुछ तो मौसम के कारण क्या हुआ वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, उनकी डेथ हो गई, कहने का मतलब वो ग्राउंड लेवल पे हॉट मौसम, हॉट यानी गर्म मौसम में, और जो प्लेन होता है वहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है उसकी लेवल अच्छा होता है, जबकि पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे बहुत सारे आर्मी के सोल्जर्स सिर्फ वहाँ पे क्लाइमेट के वजह से मर गए। क्यों? क्योंकि उनको कभी हैबिचुअल नहीं थे वो इतनी ऊंचाई पर लड़ने के, अंडरस्टैंड। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एरिया को जो ऊंचाई पर लड़ने वाले एरिया हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नया एक फोर्स बनाएंगे, और उस फोर्स में मेनली क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाईली एरिया पे जिसका बॉर्न बोलते हैं ना कि जो ऊंचाई पे पैदा ही हुआ है, जो पहाड़ी जिसको बोलते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे इसमें रिक्रूट करेंगे। क्यों रिक्रूट करेंगे? क्योंकि वो लोग पैदा ही अगर पहाड़ों पे हुए इतने ऊंचाई स्थान पर, तो उनको वो अपने उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए हैबिचुअल है। तो वो क्या कर सकते हैं कि इजीली वो वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, ना सिर्फ सस्टेन कर सकते हैं वो स्ट्रांगली दुश्मन का मुकाबला भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्लाइमेट उनको वहाँ पे सूट करेगा, और एटलीस्ट क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे कोई नहीं मरेगा, जिससे क्या होगा हमारी पावर बनी रहेगी और हम लोग दुश्मन को डिफीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1962 में इसीलिए ITBP बनाया गया, और मोस्टली अगर आप ITBP में देखोगे तो पहाड़ी लोगों को उसमें चुना जाता है, जैसे कि उत्तराखंड के लोग, अपना पूर्वी बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्टर्न, असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ के लोगों को इसमें चुना जाता है, बिकॉज दे आर वेरी हिली पीपल्स, और उनको चढ़ना उतरना ही जंगल में रास्ता जाना ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न ITBP को यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या है? देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अगर आपने मुंबई अटैक देखा होगा तो आपको समझ में आता रहेगा कि कमांडोज होते हैं जो कि बोलते हैं ना कि इनको एक ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, और ये हाईली स्किल्ड कमांडोज होते हैं। किसके लिए? टेररिस्ट के लिए। टेररिस्ट के लिए क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली होता क्या है कि ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर सपोज करो कहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ, तो टेररिस्ट अटैक होने के बाद जब टेररिस्ट क्या करते हैं किसी को होस्टेज बना लेते हैं। होस्टेज बनाने का मतलब जो होस्टेज लाइक सिचुएशन बन जाती है, किसी होटल में छुप गए, बहुत सारे लोगों को बंधक बना के रखा है, किसी घर में घुस गए, बहुत सारे लोगों को बंधक बना के रखा है, तो ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कमांडोज होते हैं, दे आर हाईली स्किल्ड एंड विद द लेटेस्ट वेपन वो क्या करते हैं हॉस्टेज लाइक सिचुएशन को काउंटर करते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली 1984-1985 में बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे, इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारा एक जहाज आतंकवादी हमला हुआ था, और हमारा जहाज जो है वो ये हो गया था। ठीक है, तो हमारा एक जो जहाज है IC-814,
IC 814 को हाईजेक कर लिया गया था और हाईजेक करके उसको कंधार लेके जाया गया था, और उसके बदले में हम लोग को बहुत बड़े खतरनाक आतंकवादी को छोड़ना पड़ा था, जो आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए जब हमारा इस प्लेन हाईजेक हुआ, तब हमारे हमें ऐसे एक फोर्सेस की ज़रूरत महसूस हुई जो कि हॉस्टेज लाइक सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में क्या किया कि इसको बनाना स्टार्ट किया। और इसका काम क्या है, देखो हर जगह पे जैसे टेररिस्ट से फाइट हो रही है, ऐसा नहीं। इनका काम कब आता है, जब उन्होंने किसी होटल में, किसी बड़े कमरे में, किसी वीआईपी को हॉस्टेज बना के रख लिया है, तब ये कमांडोस काम आते हैं। जैसे कि आपका मुंबई अटैक हुआ था, जब मुंबई अटैक में महाराष्ट्र की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तब उनको क्या करना पड़ा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ा था, और उन्होंने ऑपरेशन चलाया, और ऑपरेशन चलाने के बाद बहुत जितने भी टेररिस्ट थे उनको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा जब आप रेलवे में सफ़र करते हो, तो वहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वो आरपीएफ का नंबर लिखा रहता है। जैसे कि अगर आपको कंप्लेन करनी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पे नंबर किसका मिलता है, आरपीएफ का। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आप देखोगे तो बहुत पुरानी फोर्सेस है। इनका काम क्या है, रेलवे से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं उनको सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में आते जाते रहोगे तो आपने देखा होगा रात को इनको क्या करना पड़ता है, हर बोगी को चेक करना पड़ता है, और फिर हर बोगी को चेक करने के बाद फिर वहाँ पर क्या करना पड़ता है, उनको उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं रेलवे में आपका कोई सामान चोरी हो गया ट्रेन में से, तो आप किसी पुलिस वाले को कंप्लेन नहीं करते, आप किसको कंप्लेन करते हो, आरपीएफ को कंप्लेन करते हो। ठीक है, तो आरपीएफ को कंप्लेन करते हो। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है। उसके बाद है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, थोड़ा इसको उसको लिमिट कर लेते फिर देखते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या है। असैसिनेशन हो गया था, शायद आपको पता होगा, 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद फिर ये लगने लगा था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर सिक्योर नहीं है तो बाकी लोग कैसे सिक्योर होंगे। तो इसीलिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए, ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से फोर्स की ज़रूरत पड़ी, और उस जिसमें कि बहुत ही हाईली स्किल्ड पर्सन होंगे, जो कि प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्मार्ट और बहुत अच्छे वेपन्स के साथ वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का सिर्फ एक ही काम है, और वो है प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेनली ये सिर्फ मेनली वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए होता है। कुछ जगहों पे ये कुछ लोगों को दिया गया है, स्पेशल लोगों को दिया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो एसपीजी का प्रोटेक्शन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत 7 लेयर्स का प्रोटेक्शन होता है, और बहुत ही तगड़ा प्रोटेक्शन होता है ये। ठीक है, तो एसपीजी प्रोटेक्शन ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और कुछ चुनिंदे कैबिनेट मिनिस्टर को ही दिया जाता है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, कहने मतलब है वो चाहेगी तो ही। ठीक है, तो एसपीजी का काम क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कुछ वीआईपीस को, यानी कि कुछ बहुत ही लिमिटेड वीआईपीज लोगों को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये है प्रोटेक्शन ग्रुप, ये कहीं लड़ने नहीं जाती है। इनका काम क्या होता है, जब भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई अटैक होगा या कुछ होगा, तो इनका काम होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना। साथ साथ में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का कोई दौरा है, सपोज करो प्राइम मिनिस्टर वॉन्टेड टू विजिट यूएसए, तो प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले, प्राइम मिनिस्टर से जाने के एक दिन पहले ही, एक महीने सॉरी एक दिन नहीं, एक महीने पहले ही एसपीजी क्या करती है, अमेरिका में जाती है, यूएसए में जाएगी, वहाँ पे कौन से होटल में रुकने वाले हैं, कौन सा रूट फॉलो करने वाले हैं, और कहाँ पे भाषण कितना टाइम का देने वाले हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये पहले एसपीजी डिक्लेयर करेगी, ये सब चीज़ें कंफर्म करेगी। कंफर्म करने के बाद अगर एसपीजी को लगता है कि सब कुछ सही है और थ्रेट उतना ज़्यादा नहीं है, तो जब ये क्लियरेंस देगी तो ही प्राइम मिनिस्टर अपना जो विजिट है वो यूएसए में जा सकते हैं, अदरवाइज वो यूएसए में नहीं जा सकते विदाउट क्लियरेंस ऑफ द एसपीजी। समझ में आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोटेक्शन है वो एसपीजी के हाथ में, तो बहुत सारी चीज़ें एसपीजी के हाथों में होती है। तो ये हमेशा होता है, चाहे वो कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया में आता है, तो उनके पहले उनके सिक्योरिटी के जो लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। वो किस होटल में रहने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं, आस पास के एरिया, कौन से रास्ते से जाने, वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं।
सो दिस इज अ प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम, इसको प्रोसेस बोलते हैं कि बिना इस प्रोसेस को फॉलो किए प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी विजिट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल बेसिकली ये एक टाइप का फोर्स ही है, ये पैरामिलिट्री फोर्स ही है, ठीक है। और ये जो डिप्लॉय होती है, ये कहाँ पे डिप्लॉय होती है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे डिप्लॉय होती है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो जो सशस्त्र सीमा बल है, सशस्त्र सीमा बल अब जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली डिप्लॉय होती है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, इंडिया नेपाल बॉर्डर, और इंडिया भूटान बॉर्डर पे, ठीक है। और जो आईटीबीपी मैंने आपको बताया था, वो होती है इंडिया चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर। अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ से होते हुए ये होता है इंडिया चाइना बॉर्डर, तीन पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे, और थोड़ा सा ये सिक्किम वाला एरिया में, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ये पूरा एरिया, इतना क्या होता है इंडिया चाइना बॉर्डर है। तो इन सब को प्रोटेक्शन का काम कौन देता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन कौन करता है, आईटीबीपी करती है, नेपाल और यहाँ पे नेपाल और भूटान पे एसएसबी करती है। और क्वेश्चन कभी कभी, जैसे कि अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि एसएसबी कहाँ पे डिप्लॉय होती है, ठीक है, तो आप बता दोगे इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे। लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये एसएसबी कहाँ डिप्लॉय होती है, वो पूछेगा ये कि एसएसबी इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पर ही डिप्लॉय क्यों होता है। तो मेन रीज़न या तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एसएससी एंड यूपीएससी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसका, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि बाकी कंट्री, जैसे कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बीच में ऐसे रिलेशन है कि आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो वीज़ा। और ऐसे बॉर्डर को बोला जाता है ओपन बॉर्डर, इसको क्या बोला जाता है, ओपन बॉर्डर। और इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बीच में ओपन बॉर्डर है, तो लोग क्या है कि एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे नेपाल से कुछ लोग आए, इंडिया से भी कुछ लोग नेपाल चले गए, ठीक है, तो ऐसे आते जाते रहते हैं, इसे क्या तो ओपन बॉर्डर होता है। अगर ऐसे ऐसे बॉर्डर पे जो आर्मी ऑफिसर जो रहते हैं वो पूरी तरह से स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, वो उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है। बाकी जो ऑफिसर्स होते, जैसे बाकी जो फोर्सेस हैं, उनको एग्रेसिव बनाया जाता है। एग्रेसिव मतलब कि लड़ाई के टाइम पे वो काम आ सके और अपने काम को कर सके, क्योंकि बाकी जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पे एग्रेशन होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या होता है, फायरिंग होती है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग होती है, और इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी देखोगे तो ऐसा कुछ होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ऐसा नहीं। तो यहाँ पे कैसा है कि ऐसा फोर्स चाहिए जो कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे और साथ साथ में लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ का जो ऑफिसर है उसने कुछ यहाँ नेपाल के लोगों के साथ कुछ बदसलूकी की, या नेपाली ऑफिसर ने इंडियन लोगों के साथ बदसलूकी की, तो इससे इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पे एसएसबी को तैनात किया जाता है, क्योंकि एसएसबी एक माइल्ड फोर्स है, माइल्ड का मतलब सॉफ्ट स्पोकन फोर्स है। इनको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपको इंसानों के साथ यानी लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है और उनको कैसे प्यार से रखना है, ठीक है। इसीलिए एसएसबी को नेपाल और भूटान बॉर्डर पर रखा जाता है, बिकॉज एसएसबी जो है वो एक ये है। इसके अलावा एक इसमें मेंशन नहीं किया गया है जो है असम राइफल्स। बेसिकली असम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स तो नहीं है, लेकिन इस बार हो गई वो, मतलब कहने मतलब वो आर्मी में आती थी, लेकिन इस बार उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस डिक्लेयर कर दिया गया। और बाकायदा एक्चुअली पैरामिलिट्री फोर्सेस ही थी, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता था, डिफेंस फोर्सेस कर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती थी, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस से कंट्रोल कौन करता है, होम मिनिस्ट्री करती है, ठीक है। तो जो असम राइफल्स है, असम राइफल्स यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ पे असम राइफल्स डिप्लॉय होंगे, दिख रहा है ये बॉर्डर, यहाँ पे असम राइफल्स डिप्लॉय होती हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है जो ग्रीन वाला है वो बीएसएफ के लिए है, जो आपका ये थोड़ा सा ब्लू कलर का है ये आपका आईटीबीपी के लिए है, ये आपका एसएसबी है, यहाँ पे फिर से कौन है, बीएसएफ है, और यहाँ पे जो रेड वाला है वो क्या है, असम राइफल्स के लिए। तो इस तरह से हर फोर्सेस का अपना अलग अलग काम है, और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर पे क्या करते हैं, वो लोग डिप्लॉय होते हैं, ठीक है। हर हर बॉर्डर के हिसाब से अलग अलग फोर्सेस को डेवलप किया गया है, जैसे आईटीबीपी के लिए चाइना के लिए डेवलप किया गया है, वैसे बीएसएफ को पाकिस्तान के लिए डेवलप किया गया है, और एसएसबी को नेपाल भूटान, और असम राइफल्स को किसके लिए, इंडिया म्यांमार, उसके बाद एसपीजी है, एनएसजी है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब इसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं, आगे इसमें अगर आप देखोगे तो है इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री में देखो तो हमारा जो कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इंडिया पाक इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है, वो अब हमारे इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और बांग्लादेश, 4,096.7 किलोमीटर। उसके बाद इंडिया चाइना आता है, इंडिया चाइना जो बॉर्डर शेयर करता है वो 3,488। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान आ जाता है 3,323 किलोमीटर। आफ्टर दैट इंडिया इंडिया नेपाल आता है 1,751 किलोमीटर, और फिर उसके बाद आता है इंडिया म्यांमार 1,643 किलोमीटर, और सबसे छोटा क्या आता है, भूटान आता है, ठीक है। भूटान कितना है, 699 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। तो कहने का मेरा मतलब है, यही बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विच कंट्री शेयरिंग इट्स लार्जेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, सो इट इज़ अ बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश थ्री साइड से इंडियन टेरिटरी से इंडियन बॉर्डर से घिरा हुआ है। ओके चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है, अभी तो हम लोगों ने फोर्सेस देखा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ, देखो कोई भी फोर्सेस ऐसे ही काम नहीं करती हैं, उनको सपोर्ट के लिए इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि रॉ हो गया, आईबी हो गया, क्योंकि फोर्सेस काम तभी करेंगी जब इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अंडरस्टैंड। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज का हेल्प लिया जाता है, उसमें से कुछ एजेंसीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि पहली जो एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिख रहा है आपको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एजेंसी क्या करती है, सीबीआई, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सीबीआई। सीबीआई बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, और ये क्या करती है, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब कैसा है कि इनका काम ये नहीं है कि इनका काम ये नहीं है कि आपको ये ला के दे देंगे, बोलते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन ला देंगे। सीबीआई का काम क्या है, कोई केसेस है, केसेस में प्रॉब्लम आ रही है या वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम कौन करता है, सीबीआई। लेकिन सीबीआई किसी भी केसेस को तब भी अपने हाथ में लेगी जब उसको होम मिनिस्ट्री से उसको ऑर्डर मिलेगा तब, क्यों, क्योंकि सीबीआई किसके अंडर में काम करती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती, कोई भी केसेस को अपने हाथ में ले नहीं सकते, जब तक वही केसेस को हाथ में ले सकते हैं जिसको यूनियन गवर्नमेंट यानी कि होम मिनिस्ट्री उनको ऑर्डर देगी वही, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है टैक्स और रेवेन्यू के लिए, टैक्स एंड रेवेन्यू के लिए ये सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है, ठीक है।
टैक्स एंड रेवेन्यू के लिए सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है, जो कि इंडिया में जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है या कोई टैक्स पे कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम है और उनके ऊपर क्या एक्शन लेने, सारे काम कौन करता है, इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और इनका भी काम क्या है कि इस तरह से टैक्सेस को कलेक्ट करवाना और लोगों को फोर्स करना कि वो टैक्स पे करें। फिर है नेक्स्ट है, याद रखना एक बात और बता दूं मैं इसमें, जो रेड डालने का काम है, रेड डालने का काम ये भी करते हैं और इनके साथ इनकी हेल्प के लिए एक और बॉडी है ईडी, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, ईडी ईडी का काम क्या होता है, हवाला के कारोबार को बश करना, अगर कोई फॉरेन से करेंसी का, बोलते ना जाली करेंसी, यहाँ पे इंडिया में भेज रहा है या फिर फॉरेन से कोई ब्लैक मनी को सप्लाई किया जा रहा है, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये ईडी काम करती है। तो ईडी इसका ही पार्ट है, लेकिन दोनों मिल के क्या करते हैं, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना, हवाला कारोबार को बंद करवाना, ब्लैक मनी को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ों का काम कौन करता है, यही करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी इसका काम क्या होता है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगी, कैसे जनरेट होगी और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके अंडर में आती है। दीज आर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। ठीक है, ये सब एजेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अभी रिसेंटली नई सबसे सबसे यंगेस्ट बोल सकते हो एजेंसी है। ठीक है, ये अभी अभी क्या हुआ है कि 2008 के बाद पिक्चर में आई। क्यों ऐसा हुआ मैं बताता हूँ आपको, स्टोरी है। होता क्या है, अगर कोई क्रिमिनल है महाराष्ट्र में क्राइम करता है और वो भाग के उत्तर प्रदेश में चला जाता है, सपोज करो, तो अगर महाराष्ट्र की पुलिस को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र की पुलिस को उत्तर प्रदेश जाना है तो क्या करना पड़ता है, ही हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उस क्रिमिनल से मिली हुई होती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, महाराष्ट्र की पुलिस जाती तो है लेकिन उससे पहले ही उसके आने की इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल को मिल जाती है। ये चीज़ों से क्या होता है कि क्रिमिनल कभी हाथ में नहीं आता। और दूसरी चीज़ कैसा है कि जो यहाँ पे हमारी जो पुलिस है वो दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक हवलदार के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास चाहिए और फिजिक्स देखते हैं। ठीक है, होता क्या है कि कभी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं ये लोग बहुत गलत तरीके से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनको पता नहीं होता है। एक मिनट, कि वहाँ पे हम जो केस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए और ऊपर से अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस है या टेररिस्ट रिलेटेड केस है तो होता क्या है कि ऐसे कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड
पर्सन्स की ज़रूरत होती है जो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो। इसीलिए इन सब चीज़ों को देख करके आपका NIA को डेवलप किया गया 2008 में। जब 2008 में जो ये हुआ था उसके बाद से NIA को डेवलप किया गया, और NIA के पास परमिशन ये होती है कि वो किसी भी स्टेट में बिना बताए जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनको किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया आगे? तो NIA ये है। उसके बाद क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या करती है कि मेनली ये फाइट करती है अगेंस्ट द ड्रग स्मगलर, अगेंस्ट द ड्रग स्मगलर, ड्रग स्मगलर्स के साथ, और ड्रग पैडलर्स हो गए, कोई कोई इंडिया में कहीं से अपना ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, या फिर कोई बंदा और भी सारे चीज़ें कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का काम क्या है? ड्रग्स को किसी भी तरह से कंट्रोल करना और इंडिया में लोग उसको फैलने से बचाना। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अ नारकोटिक्स ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND। ठीक है, BPRND का काम क्या होता है कि एक्चुअली जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पुलिस होती है उनका जो ट्रेनिंग होता है नॉर्मल ट्रेनिंग होता है। इनका काम क्या होता है कि पुलिस को कैसे एडवांस बनाया जाए, कौन सा वेपन्स पुलिस के लिए सही होगा और कौन से वेपन्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, पुलिस के पास और कितने राइट्स होने चाहिए, ये सब चीज़ों को डिसाइड करना और उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलप करते रहने का काम किसका होता है? BPRND का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है ये बेसिकली क्या करता है कि वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में जो भी क्रिमिनल्स हैं या जिन्होंने भी क्राइम किया है उनके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि कल को सपोज करो सीरिया में कोई क्रिमिनल, कोई आतंकवादी था, वो उसने वहाँ पे आतंकवादी था और वो किसी भी तरह से इंडिया में आ चुका है। ठीक है, तो वो क्रिमिनल वहाँ पे कैसा दिखता था, क्या था, उनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो में अगर वहाँ पे सेव है तो उससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उसको इंडिया में ढूंढने की। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है इसका काम क्या होता है कि वर्ल्ड और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी क्राइम हो रहे हैं, तो किसी का फोटो आया सामने किसी आतंकवादी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है कि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जब एनकाउंटर होता है टेररिस्टों का, जब एनकाउंटर होता है टेररिस्टों का तो होता क्या है, मरने के बाद पता चलता है कि वो जो टेररिस्ट था वो कौन था। जैसे आपको पता चलता है यार ये तो अलकायदा का बहुत बड़ा ये था, अलकायदा का बहुत बड़ा लीडर था। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है, जो मरने के बाद जब उसको फोटो खींच के हम लोग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भेजते हैं तो वो सर्च करता है अपने डेटाबेस में कि ये बंदा कौन था, तो पता चलता है डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल सोर्सेज के लिंक करके पता चलता है कि ये बंदा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, लीडर था, जो भी था। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। ठीक है, सो ये काम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। ठीक है, नेक्स्ट चल करते आते हैं, चलो ये सब से तो एजेंसीज थी, अब हम लोग बात करते हैं कुछ फॉरेंसिक लैब की। देखो जो एजेंसियां हैं, जो बंदे हैं ये काम कर रहे हैं लेकिन ये बिना फॉरेंसिक लैब के काम नहीं कर सकते। ठीक है, फॉरेंसिक लैब का मतलब ये होता है जैसे कि आपको किसी के साइड से आपको बाल के टुकड़े मिले, ठीक है, बाल के टुकड़े मिले हैं या फिर कुछ और मिला है जिससे आप पता लगा सकते हो कि बंदा कौन था, यानी कि DNA टेस्ट करना है। तो DNA टेस्ट तो नॉर्मल जगह पे हो तो वहाँ पे वो कहाँ पे होता है, फॉरेंसिक लैब में होता है। तो हर एजेंसी के लिए फॉरेंसिक लैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे एविडेंस कलेक्शन की बात आती है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेनली दो फॉरेंसिक लैब हैं, एक है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये जो दिल्ली में है। ठीक है, मेनली इसका यूज़ CBI, NIA, ठीक है, ये लोग करते हैं। और ये जो है ये फॉरेंसिक लैब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो इस फॉरेंसिक लैब का इस्तेमाल
आप क्या हो सकता है कि जो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में जितने भी फोर्सेस आती हैं, जितनी भी इंटे एजेंसीज आती हैं, वो सारे के सारे लोग इस फॉरेंसिक लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके टोटल 7 ब्रांचेस हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद है, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस ये भी फॉरेंसिक लैब है और इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर किया जाता है, सेम चीज़ उसी के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों के अलावा भी हर स्टेट के पास अपनी खुद की फॉरेंसिक लैब होती है। महाराष्ट्र स्टेट के पास, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं इनके पास अपनी खुद की एक फॉरेंसिक लैब होती है, जहाँ पे ये क्या करते हैं कि अपने जितने भी एविडेंस हैं उनको प्रोसेस करके उसमें से अपने काम की चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हर स्टेट की अपनी अपनी भी फॉरेंसिक लैब होती है। ठीक है, ये तमिलनाडु पुलिस का लोगो है देखो। ठीक है, उसके बाद ये है आपका, केरला पुलिस है। ठीक है, अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो महाराष्ट्र, जैसे कि वर्ल्ड टॉप लेवल पुलिस में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है, टॉप लेवल की पुलिस में महाराष्ट्र का नंबर आता है, और आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट पुलिस मानी गई है वो है केरला की पुलिस, क्योंकि केरला की पुलिस का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही एकदम अलग है। ठीक है, हम लोग कभी फिर जब अभी हम आगे थोड़ा जाएंगे, जब पुलिस रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि केरला पुलिस ने कैसे इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वहाँ के लोग अब पुलिस के दोस्त हो गए हैं और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अंडरस्टैंड, तो केरला पुलिस के बारे में एक केस स्टडी है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, कल को क्वेश्चन आता है पुलिस रिफॉर्म के बारे में तो आप केरला पुलिस का एग्जाम्पल वहाँ पे दे सकते हो। अंडरस्टैंड, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ऐसे केस स्टडीज़ को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो, मेनली चार डायमेंशन होते हैं किसके, लॉ एंड ऑर्डर के। कोई कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसके चार डायमेंशन होते हैं। ठीक है, वो चार डायमेंशन में देखोगे तो क्या है, देखो कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है इस बात का ये कैसे आप मेक श्योर करोगे, वहाँ पे एवरी पर्सन इज़ अ अबाइडिंग द लॉ, यानी कि हर पर्सन, जो भी पर्सन है वो कानून को, लॉ को मानने, फॉलो करता रहे। ठीक है, और ये पर्सन फॉलो कब करेगा, जब वहाँ की पुलिस उतनी ज़्यादा कैपेबल होगी और लोगों को कंट्रोल कर सकेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर इज़ अ पब्लिक ऑर्डर इन सोसाइटी, जो सोसाइटी है वहाँ की, वहाँ पे जो ऑर्डर होना चाहिए वो पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए। यानी पब्लिक ऑर्डर का मतलब कैसा है, जो भी वहाँ पे बेनिफिट्स है वो सभी लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एजेंसीज हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उनको प्लान्स हैं वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होने चाहिए सभी के लिए। सो दिस इज़ अ पब्लिक ऑर्डर सोसाइटी। ठीक है, वहाँ पे बाद दूसरा तीसरा जो है वो क्या है आपका, क्राइम इज प्रिवेंटेड, वहाँ पे क्राइम बहुत कम यानी कि ना के बराबर होना चाहिए कि क्राइम हो ही ना, ऐसे वहाँ पे एक मेन तीसरा डायमेंशन है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर का। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर आप फॉलो करते रहेंगे, कोई भी किसी भी स्टेट का अगर कोई भी एरिया है वहाँ पे अगर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है तो वहाँ पे बट ऑब्वियस क्राइम नहीं होगा। ठीक है, सारी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो क्राइम कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम मतलब क्या है कि जो इन्वेस्ट क्राइम हो भी गया तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, जो जल्दी से इन्वेस्टिगेट करके सही रिजल्ट पे लाके जल्दी से जल्दी जस्टिस दिला सके। क्योंकि आपको ऐसा बोला गया है ना कि लेट जस्टिस इज इक्वल टू नो जस्टिस, यानी कि अगर किसी किसी को लेट जस्टिस भी मिलता है तो जस्टिस के ना जस्टिस ना होने के बराबर है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो एक फोर डायमेंशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर आपको दिखाई देते हैं। अब ऊपर वाले इसमें एक और क्वेश्चन आपको आता है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, मेंस में क्वेश्चन आता है कि, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज की पुलिस को देख के आपके उसके प्रॉब्लम्स बताओ और उसका आप सोल्यूशन बताओ।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि पुलिस रिफॉर्म है क्या। ठीक है, तो आपको पहले पुलिस रिफॉर्म के लिए आंसर लिखने से पहले ये जानना पड़ेगा कि पुलिस की प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, पुलिस की रिफॉर्म से पहले आपको ये जानना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या, क्योंकि प्रॉब्लम पता होगी तभी आप रिफॉर्म्स कर सकते हो। तो अगर आप पुलिस की प्रॉब्लम के देखने के प्रॉब्लम की बात करते हो, तो आज के टाइम पे जो पुलिस है वो आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि चिढ़ी हुई लगती है। कहने का मेरा मतलब ये है, जब भी आप पुलिस से कभी बात करते हो तो आप देखो, क्योंकि पुलिस बहुत रूडली बात करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि हार्ड लाइन यूज़ करते हैं, आपको जल्दी एंटरटेन नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ सभी बहुत से लोग बहुत से कहता है पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती है, पुलिस करप्शन करती है। ठीक है, और पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करती है, वो ज़्यादातर केसेस को टालने की कोशिश करती है क्योंकि उनका बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स में जब आप लिख रहे हो तो पुलिस रिफॉर्म्स में आप ये देखोगे कि पुलिस की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ये सारे सिचुएशन जो भी मैंने अभी आपको बताए, ये सारे सिचुएशन को ध्यान से देखोगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को खाली बोलते हैं ना कि कॉइन का एक साइड दिखाई दे रहा है, कॉइन का दूसरा साइड दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस की प्रॉब्लम क्या है। हमारे ऐसा जैसे कि इंटरनेशनल सर्वे में ये बताया गया है कि अगर 7 लोगों के पीछे एक पुलिस वाला रहेगा तब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि एक पुलिस वाला 7 लोगों को मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ, इंडिया में हर 600 लोगों पे, 600 लोगों पर एक पुलिस वाला है। अब आप सोचो कि कैसे एक पुलिस वाला 600 लोगों को क्या करता है, मैनेज कर सकता है। अब आप सोचो कि एक पुलिस वाला जो उसको सिर्फ 7 लोगों को मैनेज करना था, वो 600 लोगों को मैनेज कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ पुलिस इज़ वेरी लेस देन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुलिस वाले कम हैं। ठीक है, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है, पहला रीज़न हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आपको पता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो अगर सपोज करो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो जब वो ज्वाइन करने के बाद वो उस डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करते, उनको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, दे आर लिविंग, यानी कि वो अपने फैमिली से दूर होते हैं, दे आर लिविंग विदाउट फैमिली। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। होता क्या है कि अगर कोई बंदा सुबह काम करके आए और फिर क्या हो कि अपने फैमिली से मिले, तो क्या होता है, उसका स्ट्रेस कम होता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले बहुत अपने फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहने के कारण क्या होता है, उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। ये एक साइंटिफिक सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब पुलिस वाले कम है नंबर में तो उनको क्या होता है कि छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। ठीक है, एक एक पुलिस वाला 4-4 दिन, 5-5 दिन तक कंटिन्यूसली ड्यूटी करता है। ठीक है, कंटिन्यूसली ड्यूटी करता है, 4-4 5-5 दिन कंटिन्यूसली ड्यूटी करता है। आप सोचो, जबकि सर्वे के हिसाब से बोला जाता है कि एक नॉर्मल बंदा मैक्सिमम 8 घंटे अच्छे से काम कर सकता है, उसके बाद अगर उसको काम करेगा तो ज़बरदस्ती काम करेगा, उसके काम में वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी, और कहने का मतलब है इससे उसका स्ट्रेस लेवल और उसका टेंशन और बढ़ने लगता है। अब आप सोचो कहाँ 8 घंटे, कहाँ पे 4-4 5-5 दिन, कहीं कहीं पे तो महीनों तक पुलिस को छुट्टी नहीं, मतलब उनको कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है। इससे आप सोचो कि उसकी हालत क्या होती होगी पुलिस वाले की। ठीक है, पुलिस वाले की हालत क्या होती होगी अगर वो 4-4 5-5 दिन काम नहीं करता, अपने फैमिली से नहीं मिल रहा है वो, और दूसरी चीज़ कैसा है कि वो ना तो किसी भी फेस्टिवल के टाइम पर अपने फैमिली के साथ नहीं है। ठीक है, अपने फैमिली के साथ नहीं है वो, तो उसका आप सोचो कि उसका बीपी लेवल कितना बढ़ चुका होगा, उसका स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ चुका होगा। ऐसा देखा गया है कि इंडियन पुलिस में, कि जब वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट जब 40 साल या 50 साल के हो, 40-45 साल के होते हैं, तभी ऑलमोस्ट सभी पुलिस वालों को हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली बाहर का खाना खाते हैं और बिना टाइम के खाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई टाइम नहीं होता, फेस्टिवल सीजन में थोड़ा भी टाइम नहीं होता है। दूसरी चीज़ कैसा है कि वहाँ पर उनको उनके हिसाब से कोई बेनिफिट, जितना काम करवाते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट
उनकी उनकी फैमिली उनसे दूर है और कोई टाइम काम करने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो ऐसे 4 पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पुलिस अगर काम कोई करना भी चाहे, सपोज करो कोई ईमानदार पुलिस और मेहनती पुलिस बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस करता है और वो काम करने की सोचता है, किसी केस को सॉल्व करने की सोचता है, तो क्या होगा, होता क्या है, कुछ लोगों को अरेस्ट करता है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से उसको उसको छोड़ देना पड़ता है, उसको जाने देना पड़ता है, फोन आ जाता है कि हाँ इसको छोड़ दो और उसको वो छोड़ना पड़ता है। सो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि उसका जो मोरल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए भी क्या करता है, जब जानता है कि कोई भी केसेस का जस्टिस मिलने वाला ही नहीं है तो अभी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद भी उसको अपने बॉस, अपने जो हायर अथॉरिटी होती है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि पुलिस वाला एक हवलदार यानी कि छोटे लेवल का पुलिस वाले के पास ऐसा कोई बोलते ना कि मोटिवेशनल ऑफर नहीं है कि वो काम करे। फॉर एग्जाम्पल एक हवलदार पूरी लाइफ में अगर सारे बोलते ना सारे अचीवमेंट्स करता है, यानी कि सारे उसके क्या बोलते हैं उसको, सारे अप्रेजल लेता है, अप्रेजल का मतलब उसका जो भी एज के हिसाब से टाइम के हिसाब से उनको जो भी हायर पोस्टिंग मिलती है उसका जो लास्ट हायर पोस्टिंग होगा वो सब इंस्पेक्टर का होगा या मैक्सिमम इंस्पेक्टर का होगा, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का होगा नहीं तो इंस्पेक्टर का होगा। अब एक हवलदार जब भर्ती होता है तो उसको पता ही है कि मैं मैक्सिमम कितना भी कुछ भी कर लूँ, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व, कितने भी केस सॉल्व कर लूँ, मैं मुझे बनना क्या है लास्ट में, सिर्फ SI बनना है। और अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो भी मेरी सीनियरिटी के हिसाब से मेरा जो प्रमोशन होगा वो SI का हो जाएगा। तो आप सोचो वो कैसे काम करेगा। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो हमेशा एज अ हवलदार की पोस्ट से ही आते हैं, लेकिन उनके पास चांसेस क्या होते हैं कि उनके काम का असेसमेंट किया जाता है, यानी कि कौन कैसा है। तो जितने वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो अगर केस को अच्छे से और बहुत अच्छे से फाइल करते हैं या बहुत अच्छे से केस को हैंडल करते हैं तो उनका जो ऑप्शन होता है वो कमिश्नर तक का होता है। वो कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी के ऊपर कि वो कैसे, DGP भी बन सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक SI ही बन सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे पुलिस वाले रिक्रूट होते हैं तो दिल और मन से वो लोग काम करते हैं कि मैं आगे चल के, क्योंकि उनको पता है कि मैं कमिश्नर भी बन सकता हूँ अगर मैंने अच्छा काम किया तो, मैं DGP भी बन सकता हूँ अगर मैंने अच्छा काम किया तो। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले को पहले ही पता होता है कि उसको SI से बड़ी प्रमोशन या पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो काम भी नहीं करता, यानी उनके पास उसका उसके पास कोई मोरल सपोर्ट नहीं होता है काम करने के लिए, ना ही कोई इंसेंटिव मिलते हैं उनको किसी केस को सॉल्व करने के लिए, उल्टा वो केस में फंस चुका रहता है, ठीक है। यही रीजन है यहाँ पे पुलिस को बहुत ज्यादा अंडरमाइन किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अब आपको प्रॉब्लम पता चल गई है तो आप इजीली रिफॉर्म्स के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बाद है नेक्स्ट, आपका जो स्लाइड है वो है आपका इंडियाज 5 मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। तो इंडियाज 5 मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसमें जो पहला है हम लोग इसको इसको बारी बारी से देखेंगे, यानी कि एक एक करके देखेंगे। हम लोग पहले टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिलिटेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ेंगे, नक्सलिज्म। यानी कि पहले तो आपको डिफरेंस बताऊंगा टेररिज्म में मिलिटेंसी में क्या डिफरेंस है, इंसर्जेंसी में क्या डिफरेंस है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो करेंगे टेररिज्म का, ठीक है। टेररिज्म करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट चैनल स्टार्ट होगा वो टेररिज्म होगा, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू फर्दर अबाउट टेररिज्म। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा टेररिज्म के बारे में अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है।